अभिषेक वन सेकेंड हाई यू आर वॉचिंग मी ऑन सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल मैंने दिल से बातें की है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब

हाँ मतलब रिग्रेट uh, इसलिए हो रहा है क्योंकि आई हैव बिन सीइंग दिस कमेंट्स एवरीवेयर यू नो लाइक लोग मुझे uh, काफ़ी देखना चाह रहे थे और आगे तक hmm. और उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं नहीं चल पाई तो आई एम रिग्रेटिंग अबाउट इट बट कोई बात नहीं घर के अंदर ना सही बाहर भी तो hmm. मैं हूँ ना मैं hmm. हूँ सो <laughs> hmm. yeah. so, अभी और मज़ा आएगा तो लास्ट वीक जब सना को एविक्ट किया गया था सलमान अनाउंस्ड योर नेम फर्स्ट बिकॉज़ ही वाज़ एक एक्सपेक्टिंग दैट या एंड देन ही चेंज्ड इट और उन्होंने सना का नाम अनाउंस कर दिया वहां पे या yeah. और आपको देख के लगा कि आप थोड़ा सा उसकी वजह से शॉक हुई थी बट आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि लास्ट वीक नहीं हुआ तो इस इस वीक आपका एलिमिनेशन हो जाएगा भाई एक्सपेक्टेड हां हां क्योंकि मैं जानबूझ के शायद थोड़ी सहमी सहमी सी थी यू you नो know, मतलब हुँ. तो लोगों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ कि ये फेक है कभी ये एक्टिव हो जाती है फिर सहम जाती है तो ये क्या कर रही है ये फेक है बट ऐसा कुछ नहीं था आ, शायद मैं भी अपने आप को समझ नहीं पा रही थी जिस चीज़ से मैं गुजर रही थी इसीलिए लिए बट आ, कोई बात नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है Definitely. आपका जो बॉन्ड था अभिषेक के साथ जी इन द हाउस Uh, वो भी उसके भी काफी सारे हाइज एंड लॉज रहे हैं आप hmm. पहले uh, समर्थ के आने के बाद यू केम क्लोज टू ईच अदर और फिर दिवाली का जब टाइम था दिवाली पार्टी थी उसके टाइम पे ही सेड ऑफ मीन थिंग्स अबाउट यू जिसकी hmm. वजह से ब्रेक डाउन भी हुआ यू बैक आफ्टर दैट अगेन यू केम क्लोज टू ईच अदर डू यू थिंक आपका फ्यूचर है आगे जाके नाउ दैट जाकेट आउट ऑफ द हाउस क्या आपको लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो आपका रिलेशनशिप आप दोबारा रिकेंडल कर सकते हो उनके साथ नहीं मतलब आ, उतना आगे तक तो नहीं सोचा है मैं आम हिप्पी सोल यू नो आई लाइक टू गो विद द फ्लो तो वहाँ पे वो मेरे सामने था और आ, आ, हम दोनों एक दूसरे के सामने थे और आ, हाँ तो हम पसंद करने लग गए थे वहाँ पे तो वहाँ कुछ अलग था अब बाहर की दुनिया में आई डोंट थिंक सो कुछ हो पाएगा क्योंकि आई डोंट नो मतलब मुझे अभी वो सब सीन में नहीं आना है फिलहाल ओके okay. अभिषेक और मुनवर की एक बार बात हो रही थी अबाउट यू तो अभिषेक टेलिंग हिम के आई लाइक खानजादी उन्हें बताया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीरियस नहीं हो सकता हूँ खानजादी के लिए बिकॉज हमारा फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के साथ एंड ही ऑल्सो सेड के uh, जब मुनावर ने उनसे पूछा तो ही सेड के आई कैन क्रॉस द लिमिट्स विद कानजादी इफ आई वांट टू बट आई वॉन्ट डू इट बिकॉज मेरी फैमिली देखती है आपको पता है उस चीज़ के बारे में हाँ मुझे पता है उन्होंने भी बताया है ये चीज़ uh, अभिषेक ने बताया आप? हाँ बताया है और इनफैक्ट सरा से भी बात हुई थी अभिषेक की इसी बारे में हुँ. तो सना ने भी मुझे कहा है कि मतलब फैमिली का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि हम अलग अलग है यू you नो know, मतलब तो ऐसा है उनके तरफ से पर मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है यू you नो know. तो अभिषेक uh, के बारे में आपको अनुराग ने सजेस्ट किया था टू स्टे अवे फ्रॉम हिम और आपने भी कहा था कि आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं उनसे बात ना करूं तो बट देन उसके बाद यू आर नो द हाउस तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब सी uh, uh, जैसे कि आई नो आप किस बारे में बात कर रहे हो कि ही ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे देर बज अबाउट इट सब लोग पूछ रहे थे कि किस हुआ या नहीं हुआ नहीं नहीं dying. बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ वो कुछ बताने आया था मुझे ठीक okay. है ना वो कुछ बताने आया था बट uh, मैंने बोला की ऐसा मत करना क्योंकि ये अच्छा hmm. नहीं दिख रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ओके okay, ओके okay. hmm. और मनारा के साथ भी आपका एक लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था बिग बॉस में यू टू बॉन्डेड रियली वेल और और आपके फाइट्स भी काफी सारे होते रहते थे तो hmm. uh, तो अभी जब आप बाहर हाँ तो आप बाहर आई हैं हाउस से किस तरह से याद करेंगी मनारा को like really क्योंकि उनका वाइब जो है वो चिल वाला hmm. है लेकिन uh, मैं उनको कभी समझ नहीं पाई क्योंकि वो ना अपने मूड के हिसाब से चीज़ें करती है जैसे कि कभी अगर उनको ज़रूरत है तो वो खुद आएगी अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो आने भी नहीं देगी ना ही वो खुद okay. आएगी तो ऐसा रहा है उनके साथ में तो वो घर के अंदर ऐसा था आई डोंट थिंक सो बाहर वो सेम चीज़ होगी सो so, मज़ा आएगा उसके साथ में बाहर चिल करके ओके okay. ऐश्वर्या ने uh, समर्थ को एक्यूज hmm. किया था फॉर इनएप्रोप्रिएटली टचिंग हर और आपने स्टैंड लिया था जी डू यू थिंक अश्वर्या इज काइंड ऑफ पर्सन हु विल एक्यूज समवन फॉल्सली अबाउट सच अ बिग थिंग वो करती है क्योंकि उसके पास में ना मुद्दा नहीं होता है yep. जैसे उसको बोला जाता है कि वो शेल के अंदर रहती है या सिर्फ नील के साथ ही दिखती है या खुद का कोई वजूद नहीं है तो वो करती है और वो उस दौरान कर रही थी क्योंकि वो दिमाग के मकान में थी तो उनके पास वो पावर थे घर चलाने का तो वो कुछ ज़्यादा ही यू you नो know, वो एक सुपेरियर uh, बनने की कोशिश कर रही थी और छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब रिएक्ट करती थी तो वो चीज़ मैंने जानबूझ के की क्योंकि वो मुझे कहती थी कि मैं अटेंशन के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ यू नो घर पे जो भी मैंने किया है आई डिड इट फॉर अटेंशन सो ऐसा अगर है तो सब लोग अटेंशन के लिए ही तो कर रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं yeah. है, है, किस चीज के, hmm. के लिए ही कर रहे हैं तो भी उनको बताया तो और अभिषेक को लेके hmm. तो मैंने भी तुमको बता दिया कि तुमने भी शायद ये अटेंशन के लिए ही किया होगा तो आई इलनेस आप को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी वहां पे एक्सप्रेस करने में सलमान खान ने भी आपको

एक्सप्रेसि थ्रू वर्ड्स और मैं नहीं चाह रही थी कि हर चीज रिवील हो क्योंकि वो बहुत ही गलत वे में पोट्रे हो रहा था right. तो इसलिए मैंने उस चीज को वहाँ ही रोक दिया और मैंने खुद ही उस चीज को यू you नो know, अंदर ही दबा के आ, मैं टूट गई थी और उस बारे में मैं अभी तो नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोलना चाहूँगी बाद में सही वक्त पे लुकिंग अंकिता yeah. और विक्की के भी काफी सारे झगड़े हो रहे थे घर में uh, और रिसेंटली ये देखा गया कि अंकिता ने विकी को ये बोला कि तू खानजादी के हलका का ही खाना खा और विकी ने भी कहा कि उसके खाने में प्यार होता है हाँ। जो बात अंकिता को बहुत ज्यादा हर्ट करी एंड शी ब्रोक डाउन उन्होंने रोना शुरू कर दिया डू यू थिंक पहले से ही मतलब खाने के? के अंदर प्यार होता है अच्छा वो चीज़ मैंने नहीं सुना लेकिन हाँ hmm. मैं अच्छा खाना बनाती हूँ मुझे भी लगता है ये yeah. क्योंकि सब लोग बोलते हैं यू you नो know, hmm. जो मुझे पसंद भी नहीं करते थे उनको भी अच्छा लगता था मेरे हाथ का खाना hmm. तो विक्की भाई वाज वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं अच्छा खाना बनाऊंगी और उनको काफ़ी दिनों से अच्छा खाना खाना था तो उन्होंने अंकिता दी पर विश्वास नहीं किया क्योंकि अंकिता दी खाना नहीं बनाती थी पहले वो सीख रही है बनाने लगी है तो ऐसा था लास्ट सेगमेंट सिडके का अंगार और uh, सबसे ज्यादा फेक फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप कौन सी लगती है आपको बिग बॉस हाउस में फेक सबसे ज्यादा फेक मनारा कंपेनियनशिप लाइक द फ्रेंडशिप दो लोगों के बीच में मनारा मनारा और मुनव्वर की बात कर रहे हो या आप uh, समर्थ और ईशा के बारे में बात कर रहे हो या जो मुझे फेक लगती है कपल्स कपल्स की बात कर रहा हूं फेक जो फेक लगता जो है, है में, में, जो फ्रेंडशिप है उसमें घर में जो जो वो फेक है वो ना या तो आई थिंक um, मनारा और मुनावर मुनावर की तरफ से मुझे नहीं लगता है फेक है बट मनारा की तरफ से लगता है क्योंकि जब-जब मुनावर को सुनाया जाता था या कुछ ऐसे फीडबैक्स आते थे तो मनारा बहुत ही मजे करती थी यू नो और जैसे अभी रिसेंटली मुनावर कैप्टन बना तो मनारा टॉप टू में थी ठीक है आ, लेकिन मनारा को वो मौका नहीं मिला गया तो शी वॉज नॉट हैप्पी इस बात को लेके कि मुनावर कैसे बन गया कैप्टन वो टॉप टू में थी उसको बनना चाहिए था तो वो मुनावर को एक बहुत ही स्ट्रांग कंपिटिटर मानती है लेकिन मुनावर हमेशा एक दोस्त जैसे ही समझती है उसको और आगे लेना आगे लेके आना चाहता है okay. अभिषेक किसके किस साथ किसके साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं आपके साथ या के साथ मेरे साथ मेरे ओके स्नेक इन द हाउस अकॉर्डिंग टू यू स्नेक या सांप कौन है घर में आपके अकॉर्डिंगली सांप. Mm. सांप 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 मुझे लगता है कि मनारा अनुराग भी है कहीं ना कहीं एंड अभिषेक भी है ओके okay. um, फिर कौन हो गया हाँ सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान कौन है घर पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान मुनावर के अलावा कौन हो सकता है कोई नहीं है मुनावर के अलावा बिल्कुल विकी okay. okay. भाई मुनावर विकी भाई दोनों वन वर्ड अबाउट दीज बिग बॉस कंटेस्टेंट्स आई टेक द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट्स एंड यू हैव टू से वन वर्ड अबाउट देम ऐश्वर्या मच्छी वाली नील घमंडी समर्थ चिल ईशा अटेंशन अभिषेक लुक एट यू ब्लशिंग वन सेकेंड अभिषेक स्माइल अंकिता कंफर्ट विक्की फैमिली अनुराग दोस्त रिंकू गॉड खुआ जो उनको टैग मिला था थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंटरव्यू